हेलो स्टूडेंट्स, आगे चैप्टर हम रीड आउट करते हैं। व्हेन यू डोनेट योर बॉडी ऑर्गन्स और बायोलॉजिकल टिश्यूज यू लूज नथिंग। अगर आप अपना कोई भी बॉडी का ऑर्गन यूज करते डोनेट करते हो तो आप किसी भी टिश्यू को आप अपनी बॉडी से लूज नहीं करते। ऑन द कंट्रेरी यू मेक द रेसिपिएंट सो हैप्पी। जबकि आप जो आपसे ऑर्गन ले रहा है उसको क्या है, आप बहुत खुश करते हो। एंड ग्रेटफुल टू यू दैट देयर हैप्पीनेस कैन बी कंपेयर्ड विद द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग ब्लेस्ड विद मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड टन्स ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स। की मतलब आपके सोने हीरे और जो आपके डॉलर्स बिलियंस बिलियंस है उससे भी ज़्यादा आपको क्या है ब्लेसिंग मिलती है उन लोगों की खुशी से। ऑर्गन डोनेशन इज नॉट मेयरली अ डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन सिर्फ कोई डोनेशन नहीं है, बट इट इज अ काइंड ऑफ शेयरिंग व्हाट गॉड हैज गिवन टू ईच वन ऑफ अस फ्री ऑफ कॉस्ट। बल्कि ये क्या है, भगवान ने हमें क्या है गिफ्ट के रूप में फ्री में दिया हुआ है, जिसको हम किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं विद दोज हु आर नॉट एज फॉर्चुनेट एज वी आर। कि वो जो उनके पास नहीं है जो कि हमारे पास है। सो एवरी ह्यूमन ऑर्गन बींग अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हर एक ह्यूमन बींग के पास क्या है, जो ये ऑर्गन होते हैं ये फ्री में मिला हुआ गिफ्ट होता है। ऑर्गन डोनेशन इज लाइक अ डाइविन डोनेशन। कि ये जो ऑर्गन को डोनेट करना है मतलब ये बहुत एक डाइविन डोनेशन की तरह है। सम पीपल मे आर्ग्यू दैट ऑर्गन डोनेशन इज डिसफिगरमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड एज सच शुड नॉट बी अलाउड। कुछ लोग ये सोचते हैं, इस बात पर बहस करते हैं कि अगर ऑर्गन डोनेट कर देंगे तो उनकी बॉडी से कुछ है जो वो खत्म हो जाएगा कुछ, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। इन दिस कनेक्शन इस संबंध में इट इज वर्थ रिमेम्बरिंग दैट डिसफिगरमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ इल इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन हु कॉज इट एंड एज सच इट इज ऑलवेज अनलॉफुल। बट ऑर्गन डोनेशन डज नॉट हैव एनी सच बैड इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन इट। बल्कि क्या होता है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये जो कुछ भी डिसफिगरमेंट यानी कि कुछ चीज़ जो स्पॉइल होती है वहाँ से, उसमें क्या होता है कुछ टाइप की क्या होती है इल इंटेंशन होती है, मतलब कुछ बीमारी होती है या फिर कुछ क्या कह सकते हैं हम कुछ कमी होती है ऑन द पार्ट पर्सन कोच जिस पर्सन में ये कमी होती है। एज सच इट इज़ ऑलवेज अनलॉफुल। ये क्या होती है जो कि हमारे नियम के विरुद्ध होती है। बट जो ऑर्गन डोनेट किया जाता है ना उसकी वजह से ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं होती, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं लगती उस पर्सन को जो क्या करता है डोनेट करता है, ना इधर द रेसिपिएंट और ना ही जो रिसीव करता है उसको ना ही डोनर को। रेदर दे बोथ इक्वली शेयर, वो इक्वली शेयर करते हैं द एस्केटेसी ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग द गिफ्ट ऑफ नेचर। जो कि क्या करते हैं नेचर का दिया हुआ जो गिफ्ट है एक लेता है दूसरा देता है। ऑर्गन डोनेशन इज प्योरली एन एक्ट ऑफ गुड इंटेंशन। जो ऑर्गन डोनेशन है वो क्या है प्योरली एक गुड इंटेंशन है, मतलब एक बहुत ही अच्छा काम है ऑन द पार्ट ऑफ द डोनर के लिए। इट इज कैरिड आउट विद अ नोबल इंटेंशन। ये नोबल इंटेंशन कैरी करता है फॉर बेनिफिट ऑफ फेलोज, मतलब जो साथी होते हैं उनके फायदे के लिए। सो ट्रीटिंग ऑर्गन डोनेशन एट पर विद डिसफिगरमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वुड बी अ बिग मिस्टेक। सो इसलिए क्या होता है कि ऑर्गन डोनेशन की जो ये ट्रीटमेंट है एट पर विद डिसफिगरमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी में जो भी स्पॉइलेज होती है जो भी कमी होती है ना वुड बी अ बिग मिस्टेक एंड मोस्ट अनफेयर टू द कोज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इससे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो अपना यूनिवर्सल भाईचारा होता है वो भी मोस्ट अनफेयर होता है।
इट इज हाई टाइम वी हैव पॉजिटिव थिंकिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गन डोनेशन. हमें क्या है कि आज का जो टाइम है ना कि वो बहुत हाई टाइम हो गया है, जिसमें क्या है ऑर्गन डोनेशन के लिए क्या है उसके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए. टू मेक दिस वर्ल्ड अ प्लेस ऑफ लव, हमें क्या करना है अपने इस पूरी संसार को, पूरे वर्ल्ड को प्लेस ऑफ लव बनाने के लिए कंपैशन एंड कोऑपरेशन, एक दूसरे को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, रिमूविंग हैटर्ड मतलब दुश्मनी को मिटाकर, नफरत को मिटाकर, एंड कंपटीशन एट एवरी स्टेप इन लाइफ. और जो लाइफ में एवरी स्टेप पे कंपटीशन है उसको मिटाकर आपसी भाईचारे और प्यार की भावना को बढ़ाना चाहिए.